वहीं यूपी पुलिस को नहीं लगता कोरोना से डर। जी हां, पुलिस की गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं। खुद पर लागू नहीं करते दो सवारी का फॉर्मूला, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। समृद्ध को नहीं, दोष को साईं। न्यूज वन इंडिया के कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई जो इस सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हैं। खुद पर कोई कानून, कोई नियम लागू नहीं होता। ये यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस पर आप देखिए किस तरीके से मखौल उड़ाने का आरोप लगा है। तो समृद्ध को नहीं, दोष गोसाई। न्यूज वन इंडिया के कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी के अंदर आपको दो लोगों से ज्यादा वाला जो नियम इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लगाया हुआ है पूरे प्रदेश में, वो सिर्फ पुलिस की गाड़ियों में आप देखिए आपको लागू होता नजर नहीं आएगा। खुद पर लागू नहीं करते दो सवारी का फॉर्मूला, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो एक चौपाई तुलसीदास ने लिखी, समृद्ध को नहीं, दोष गोसाई, वो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस पर फिट बैठती है। इस तस्वीर को अब आप देखिए, ना मास्क है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना है, बस यहां पर धज्जियां उड़ रही हैं। इन महाशय को देखिए, रायबरेली की तस्वीर है, इन्होंने मास्क भी नहीं लगाया। जब हमारे रिपोर्टर ने उनको टोका तब उन्होंने मास्क लगाया। अब ये दूसरे महोदय को देखिए, गाड़ी में मौजूद है, पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग की गाड़ी के अंदर धज्जियां उड़ी और उसके बाद टू स्टार ऑफिसर है ये पुलिस के, मास्क लगाया हुआ नहीं है और जब टोका गया तो ये मास्क लगा रहे हैं। तो पुलिस कर्मियों की ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। रायबरेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कोरोना को लेकर किस तरह से नियमों की सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे मखौल उड़ रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए, यूपी पुलिस का कोई डर नहीं लगता, कोरोना से डर नहीं लगता। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है रायबरेली से। रायबरेली में जमकर कोरोना का मखौल उड़ाया जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, पुलिस वाले वहां पर मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद हैं और बीच में से बिना मास्क लगाए यहां पर तेज रफ्तार से लोग निकलकर चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी एक तस्वीर आपने देखी, तीन लोग एक बाइक पर सवार होकर ट्रिपलिंग का नियम तोड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ा। कोरोना के दौरान जो तमाम नियम लगाए गए हैं उनको, नियम को तोड़ा गया। कितने नियमों को तोड़ रही है यूपी पुलिस, आप रायबरेली के अंदर देखिए किस तरीके से नियमों को तोड़ा जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से नियमों को तोड़ती है, आप उस तस्वीर में, आप इस तस्वीर में उस पूरी हकीकत को देखिए। हमारे रिपोर्टर्स ने जब टोका इन पुलिस ऑफिसर्स को, इन पुलिस कर्मियों को, तब ये अपनी जेब में से मास्क निकालते हैं और लगाते हैं। लगता है इनको मास्क की जरूरत नहीं, लगता है इनको मास्क क्या या फिर कोरोना से कोई डर नहीं। एक गाड़ी में दो लोग अलाउड हैं। नियमों की अगर बात करें तो एक ड्राइविंग सीट पर और एक उसके पीछे अपोजिट साइड पर, ये दो लोग परमिसेबल हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए, आगे ड्राइवर के बराबर में भी व्यक्ति बैठे हैं और पीछे भी बैठे हैं। नियमों को ताक पर रख दिया गया। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने की जितनी आम इंसान को जरूरत है, उतनी ही जो जरूरत उन कर्मी उद्योगों को है जिनके कंधे पे पूरे देश का भार है, वो चाहे डॉक्टर्स हो, वो चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर सफाई कर्मी हो। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें रायबरेली से कैमरे पे कैद हुई हैं जो उन कर्मी योद्धाओं के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वो कर्मी योद्धाएँ जो हैं ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हैं, ना ही चेहरे पर मास्क लगाते हैं। रायबरेली की ऐसे पुलिसकर्मियों की तस्वीरें कैमरे पर कैद हुई हैं जो लोगों को तो सुरक्षा का वो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का पाठ जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्वयं की अगर बात की तो स्वयं की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। रायबरेली के कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो चौराहे पर खड़े होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं देखने को मिलती है, एक ही बेंच पर सभी लोग बैठे रहते हैं, वहीं उनके चेहरे पर मास्क नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, जो शासन ने एक नियम लागू किया कि बाइक्स में एक लोग सवार होंगे व कार में दो लोग होंगे, लेकिन वही पुलिसकर्मी अपनी कारों पर जो है चार चार पाँच पाँच लोग सवार होकर क्षेत्र पर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी सेहत को का ख्याल रखना चाहिए। और न्यूज इंडिया ऐसे पुलिसकर्मी, ऐसे कर्मी योद्धाओं से अपील भी करता है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ वो अपने स्वास्थ्य भी ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ चेहरे पे मास्क का प्रयोग जरूर करें। रोहित मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, रायबरेली। तो अब ये तस्वीर देखिए, एक बाइक पर तीन लोग सवार हैं, मास्क हालांकि लगाया हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि एक बाइक पर पहले से ट्रिपलिंग का नियम क्यों तोड़ रही है और उसके बाद ये स्थिति आखिर क्यों है। गाड़ियों के अंदर पुलिसकर्मियों की ये स्थिति आखिर क्यों है, क्या कोरोना से उत्तर प्रदेश पुलिस को डर नहीं लगता, ये एक बड़ा सवाल है। आगरा में भी इसी तरीके के कोरोना का मखौल उड़ाया गया। हरी पर्वत चौराहे पर पुलिस वाले मखौल उड़ाते नजर आए। चौराहे पर 7 से 8 पुलिसकर्मी एक साथ झुंड बनाकर खड़े रहे, पुलिस वालों में नहीं दिखा कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम उनके बीच में। फिलहाल आगरा की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, चौराहे पर 7 से 8 पुलिसकर्मी झुंड बनाकर खड़े हैं। इस तस्वीर को देखिए, हरी पर्वत चौराहा ये है आगरा का और यहां पर झुंड बनाकर पुलिसकर्मी खड़े हैं।
इन्हें लगता है कोरोना से कोई डर नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पूरे प्रदेश में लागू होता होगा, इन पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होता, कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये तमाम पुलिसकर्मी झुंड बनाकर खड़े हैं चौराहे पर, और ये एक जाना माना चौराहा है, एक बड़ा चौराहा आगरा का है, हरिपर्वत चौराहा, और इस चौराहे की ऐसी तस्वीर है। तो सोचिए कि शहर के अंदर और दूसरे इलाकों में क्या स्थिति पुलिसकर्मियों की होगी। चौराहे पर 7 से 8 पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे, झुंड बनाकर खड़े हैं। अगर खुद झुंड बनाकर खड़े हैं, अगर खुद नियमों को ताक पर रख रहे हैं, तो आम लोगों को क्या ये रोकेंगे, क्या ये टोकेंगे, क्या वो लोग इनकी सुनेंगे? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ऐसे हैं जिनको जानना कोई नहीं चाहेगा। तो ये बात की हमने आगरा की, अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज। कोरोना का माहौल तो वहां पर भी उड़ाया गया और वहां पर भी माहौल उड़ाना जान पर भारी है। यूपी पुलिस में नहीं दिख रहा कोरोना का डर, प्रयागराज में भी कोरोना का माहौल जमकर उड़ाया जा रहा है। कानून का पालन नहीं कर रहे कानून के रखवाले, कार में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की इजाजत है, पुलिस की गाड़ियों में 5 से 6 लोग बैठकर आ जा रहे हैं। दूसरों को उपदेश बहुत देते हैं यूपी पुलिस के कर्मी, लेकिन खुद पर जब आती है तो नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। अपनी ही एक गाड़ी के अंदर 6-7 लोग सवार होकर जा रहे हैं। क्या नियम इन पर लागू नहीं होते? क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नियम यूपी पुलिस पर लागू नहीं होते? एक गाड़ी के अंदर 2 लोगों को बैठने की इजाजत है, ये वो कानून के रखवाले हैं जिनको इस कानून की, एक गाड़ी में 2 लोगों से ज्यादा मौजूद ना हो, इस कानून की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जब ये खुद अपने ही इसी ही कानून की धज्जियां खुद उड़ाएंगे तो फिर आम लोगों को ये कैसे समझाएंगे? तो प्रयागराज में भी कोरोना का माहौल उड़ रहा है और प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं जो लगातार नंबर सामने आ रहे हैं, लगातार नंबर बढ़ रहे हैं आगरा के अंदर, तमाम शहरों के अंदर, क्या फिर ये कह देना चाहिए कि पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाह है और यही वजह है कि वो नंबर्स इनडायरेक्टली तौर पर कहिए या डायरेक्ट तौर पर कहिए, उसमें भूमिका, उसमें हाथ पुलिसकर्मियों का भी है। तो यूपी पुलिस में नहीं दिख रहा कोरोना का डर, कुछ ऐसी ये तस्वीर प्रयागराज से सामने आई। प्रयागराज से हमारे संवाददाता आलोक मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, रियलिटी चेक जब आप कर रहे थे ग्राउंड पर, किस तरीके की बातचीत आपकी पुलिसकर्मियों से हुई और क्या कुछ रहा वहां पर? आलोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आलोक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आलोक, किस तरीके के तर्क पुलिसकर्मियों के थे उस दौरान जब रियलिटी चेक आपने किया ग्राउंड पर? जी, मैंने जिस तरह से रियलिटी चेक को बात किया, सिविल लाइन सम्मान मंदिर चौराहे पर मैं पहुंचा और मैंने पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश की, इस तरह से जो माहौल उड़ाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, न छात्र छात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, न पुलिसकर्मी कर रहे हैं। इस पर पुलिसकर्मियों का कहना था कि ड्यूटी के दौरान हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, चूंकि इतने एक साथ छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद है और इनकी देख रेख करने के चक्कर में हम ये बात भूल गए कि हमको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर की श्रेणी में आते हैं और प्रयागराज के जितने भी सम्मानित लोग हैं सभी ने इन पुलिसकर्मियों का बराबर सम्मान किया है, बराबर इनको फूल मालाएं पहनाई है और इनका सम्मान किया है, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर के रूप में हर चौराहे पर हर गली मोहल्ले में खड़े दिख रहे हैं और पूरे समाज को ये जागृत कर रहे हैं कि कोरोना से किस तरह से बचना है, किस तरह से अपने आप को कोरोना से बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। लेकिन वही वॉरियर सब इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जब पालन नहीं करते हैं तो देखिए काफी दुख महसूस होता है। जी तुषार, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये प्रयागराज की स्थिति हमने आपको दिखाई और कोरोना का माहौल कैसे वाराणसी में उड़ रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। यूपी पुलिस को शायद कोरोना का डर नहीं, इसलिए जगह जगह की तस्वीर कुछ ऐसी ही है। वाराणसी में पुलिस नहीं कर रही नियमों का पालन, ड्यूटी के दौरान एक जीप में 5 पुलिसकर्मी बैठे हुए नजर आए। वाराणसी पुलिस के ये 8 जवान इस समय कोरोना से संक्रमित है, यानी कि वाराणसी के पुलिसकर्मियों के बीच में से 8 जवान ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित है, उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी इन नियमों को ताक पर रखने से बाज नहीं आ रहे। वाराणसी में पुलिस नियमों के पालन नहीं कर रही है, लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। ड्यूटी के दौरान एक जीप में 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे। यूपी पुलिस में कोई कोरोना का डर नहीं, वाराणसी की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो किसी नियम का कोई पालन नहीं किया जा रहा, जो नियम जिन कानून की रखवाली की जिम्मेदारी इन पुलिसकर्मियों के कानून के रखवालों के कंधों पर है, अगर उन्हीं कानून और नियमों की धज्जियां ये कानून के रखवाले उड़ा रहे हों तो फिर इनसे कैसे ये उम्मीद की जाए कि आम लोगों को ये उन कानून के पालन करने में इंकरेज करेंगे। लॉकडाउन लगभग 1 माह से ऊपर हो गया है और जहां पुलिस लोगों को घर में भगा रही है और
लॉकडाउन का लोगों से पालन करा रही है, लेकिन वहीं जब वाराणसी पुलिस की बात की जाए तो वाराणसी पुलिस आप देख सकते हैं कितना लॉकडाउन का पालन कर रही है। कहीं जीप में भी जा रही है तो एक नहीं चार चार पाँच पाँच लोग हैं, और रोड पे भी खड़ी है तो एक नहीं दस दस लोग खड़े हैं, और वो भी दूरी उतनी नहीं बना के रखे जितनी सोशल डिस्टेंसिंग में बोली गई है। लोग एकदम करीब हैं और आराम से ड्यूटी कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को आदेश कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं पुलिस इस आदेश का पालन नहीं कर रही है। और उसी तरह चाहे बाइक से हो या कार से हो या जीप से हो या सीओ हो या एसओ हो, लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ा रहे हैं। न्यूज़ ऑन इंडिया, सुजीत पटेल, वाराणसी।